नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू 2018 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन लाए हैं जो इस बार 2018 के सिविल सेवा के इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, एक मित्र हैं उनसे ये कुछ प्रश्न किए गए थे, मैं उस प्रश्नों को लाया हूँ। ठीक है, जो इस बार पूछे गए हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे और करीब करीब 2000 कमेंट रहेंगे तो मैं इस प्रश्न के सारे आंसर आएंगे, जिसको आप देख लीजिएगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है संभावित प्रश्न के। ठीक है, जो इसके उत्तर होंगे मैं उसको दे दूंगा। आप कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस प्रश्न को आप स्वयं एक बार हल करने का प्रयास करें जो आईएएस 2018 परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, ये इंटरव्यू का प्रश्न है, तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और पहला प्रश्न जो आया था, इसमें बोला गया था उनसे कि आपके अनुसार देश की मूलभूत समस्याएं क्या है और आईएएस बनकर उन्हें आप कैसे खत्म करेंगे। तो देश की मूलभूत समस्याओं को पूछा गया था और आप उसे आईएएस बनने के बाद कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में पहला प्रश्न किया गया था, जिसका यह जो उत्तर है मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक और 2000 कमेंट रहेगा तो। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न है मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न किया गया था, वर्तमान में सांप्रदायिकता का मुद्दा जोरों पर है, आप देश में इसे किस रूप में देखते हैं। तो जब सांप्रदायिक का मुद्दा है, ठीक है, ये हमेशा भारत में या का पूरे विश्व में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहीं कम मात्रा में बना रहता है, तो इसके बारे में पूछा गया था कि आप जो सामुदायिक मुद्दा है ये जोरों पर है और आप इसे किस रूप में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई अच्छे निगाह तो देखेगा नहीं, तो इसका भी जो प्रश्न का उत्तर है मैं उसको अपने वीडियो में डालूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि जातिगत आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है, जो अभी हाल ही का मुद्दा था और अब भी गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो करंट से रिलेटेड अक्सर प्रश्न आते रहते हैं इंटरव्यू में, कोई भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है ये। तो तीसरा जो प्रश्न किया गया था उनसे कि जातिगत आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आरक्षण का समुचित लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि इसकी जो आरक्षण के बारे में आपकी राय बताइए और इसका जो समुचित लाभ है वो लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी लगातार विवाद बना हुआ है। ठीक है, इधर जनरल वाले और उधर ओबीसी और सीट वाले हमेशा आंदोलन करते रहते हैं आरक्षण को लेकर। ठीक है, ये गर्मा गर्म मुद्दा बन रहता है और इस समय तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में है, तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर डालूंगा अगले वीडियो में, आप देखते रहिएगा। और अगला जो प्रश्न किया गया था, चौथा नंबर, क्या मृत्युदंड नैतिक रूप से उचित है। इसमें पूछा गया था क्या उचित है कि नहीं, ठीक है, नैतिक रूप से, और आपके अनुसार किन परिस्थितियों में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पूछा गया था आपके अनुसार जो है कि इसे किस परिस्थिति में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, ठीक है, अपने वीडियो में, अगले वाले वीडियो में। और अगला जो प्रश्न है वह है, साइबर अपराध किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न करता है। तो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड यह इंटरव्यू क्वेश्चन किया गया था, तो इसका भी हम प्रश्न का उत्तर हम देंगे अपने वीडियो में। ठीक है, और सबसे पहले आप कोशिश खुद करिएगा, आप खुद इसका अपना उत्तर ढूंढिएगा और हल करिएगा और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर हो सकेगा तो। और जिसका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं उसको हो सकता है कि प्राइज भी दूँ। ठीक है, और अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, छः नंबर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आतंकी संगठन आईएस भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक वास्तविक खतरे के रूप में विद्यमान है। ठीक है, भारत सरकार इससे निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है। ठीक है, इसमें पूछा गया था जो आईएसआई है यह भारत की खतरे में कितना ज़्यादा अपना वो दे रहा है। ठीक है, और दूसरा इसमें दिया था कि भारत सरकार की जो उपाय हैं या रणनीति है वो किस प्रकार की है इससे निपटने के लिए। तो छठा क्वेश्चन था, इसका भी हम उत्तर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया 7 नंबर, वह था, भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ व्यापक स्तर पर असमानताएं मौजूद हैं, समावेशी विकास को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें विकासशील देश में जो असमानताएं होती हैं इसके बारे में पूछा है और साथ ही साथ समावेशी विकास जो है इसको किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं।
असमानता को कैसे दूर करके आप समावेशी विकास लाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया था इंटरव्यू में, ठीक है। इसका भी हम आंसर देंगे, ठीक है, अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। आप लेकिन आप खुद कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स कमेंट करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम तो उत्तर देंगे ही। अगर 1,000 लाइक और 2,000 कमेंट आप लोग करेंगे तो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है? तो गरीबी उन्मूलन की रणनीति पूछा था 8 नंबर में, और पूछा था इसमें बोलेंगे थे क्या कारण है कि तमाम उपायों के बावजूद गरीबी का स्तर उच्च बना हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा गया था जो गरीबी का स्तर है वो उच्च किस कारणों से बना हुआ है, ठीक है, और इस उन्मूलन की, गरीबी उन्मूलन की क्या रणनीति है, ठीक है, इसको आपने कैसे अपनाई है, ये पूछा था। तो इसका जो उत्तर है मैं अच्छे तरीके से आपको दूंगा, ठीक है, अपने अगले वीडियो में। आप अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें 9 नंबर, हाल के समय में ईवीएम मशीन का मुद्दा चर्चा का विषय रहा है, ईवीएम मशीन किस प्रकार से कार्य करती है, बताएं क्या इन मशीनों को हैक किया जा सकता है? तो ईवीएम मशीन जो है, ठीक है, ये जो ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है इसके बारे में काफ़ी समय से ये चर्चा में रहा है, तो इसमें पूछा है कि क्या इसको हैक किया जा सकता है या नहीं, अपनी आप राय देना है, तो इसका भी हम प्रश्न को उत्तर हम देंगे, ठीक है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हम जब इसका उत्तर डालें तो आपके पास ये बेल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे उत्तर को पहले देख पाएँ, ठीक है। और 10 नंबर जो प्रश्न किया गया था, जो इसमें किया गया था, जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम के पूर्व अध्यक्ष थे ई सी धरन को हमारे देश में अब तक के सर्वश्रेष्ठ लोक सेवकों में से एक माना जाता है, ठीक है, आपकी राय में उन्हें किन गुणों, योग्यताओं और मूल्यों ने इतना सफल बनाया और हम किस प्रकार इन गुणों को अपने लोक सेवकों में विकसित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेट्रो रेल के जनक हैं, ठीक है, दिल्ली में उनके जो पूर्व अध्यक्ष शशिधरन, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ लोक सेवकों में इनकी गिनती होती है, ठीक है, हमारे देश के, और इनके जो गुण हैं, योग्यताएं हैं और उनके मूल्य हैं, ठीक है, इतना इनका सफल जो बनाई है, इसके बारे में आपको पूछा है कि आप आपकी किस प्रकार आप इनके गुणों को अपने लोक सेवकों में विकसित कर सकते हैं, आप अपने में विकसित कर सकते हैं, इनके बारे में पूछा गया है, तो बहुत अच्छा आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, अगले वीडियो में। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था आपकी रुचि गाना सुनना है, क्या आप गाना भी गाते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिभागी थे उनसे पूछा गया था, उन्होंने अपनी रुचि बताई थी तो उसमें लिखे थे, तो उसमें गाना सुनने के लिखे था, उन्होंने कहा था कि अगर आप सुनते हैं तो क्या आप गाते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जरा आप गुनगुनाइए कुछ पंक्ति सुनाइए, ठीक है, और ये भी बताइए कि आपका प्रिय गायक कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन किया गया था इनको 11 नंबर और लास्ट क्वेश्चन था इनका, ठीक है। तो ये आपका स्वयं का विचार है, आप इसमें खुद देख लीजिएगा, आप गाना सुनने की रुचि है, क्रिकेट खेलने का रुचि है, कि फिल्म देखने की रुचि है, घूमने का, ये रुचि अलग अलग हो सकती है, तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे, तो इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा, ठीक है, और अपने से खुद लिखने का प्रयास करिएगा, सोचिएगा क्या असर हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और जो घंटी बनेगी उस नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो पहले पाएँ, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल लाइक करेंगे, 1,000 2,000 कमेंट आएगा तो हम इस वीडियो का उत्तर जरूर से जरूर और अच्छे टीचरों से कलेक्ट करके देंगे। धन्यवाद।